उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चलती ट्रेन से एक 2 साल की बच्ची गिर गई, जिसके बाद उसकी मां ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रुकवाया और पटरी पर ही करीब 3 किलोमीटर दौड़ पड़ी। हड़बड़ाती हुई मां जब बच्ची तक पहुंची तो देखा कि बच्ची घायल है लेकिन सलामत है, जिसके बाद मां को सुकून मिला। राहत की बात ये रही कि जब बच्ची ट्रेन से गिरी तो साइड में घास अधिक होने के कारण बच्ची को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन एक माँ के दिल पर तो पहाड़ टूट गया जब उसकी बच्ची उसका पल्लू छोड़कर ट्रेन से नीचे गिर गई। दरअसल मानिकपुर के इंदिरा नगर की रहने वाली माया को घरेलू हिंसा के चलते उसके पति ने घर से निकाल दिया था, जिसके बाद से ही माया अपनी 2 साल की मासूम को लेकर इधर उधर भटक कर अपना और अपनी बच्ची का पेट पालती है। माया देवी ट्रेन में झाड़ू लगाकर लोगों से पैसे मांगकर गुजारा करती है। सोमवार को माया अपनी बेटी को लेकर मानिकपुर स्टेशन से गोदान एक्सप्रेस में झाड़ू लगाने के लिए चढ़ी थी। मीनाक्षी अपनी मां का पल्लू पकड़कर ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ी थी, लेकिन ट्रेन जसरा से जैसे ही आगे बढ़ी मनकवार गाँव के सामने ट्रेन में झटका लगा और मीनाक्षी गेट से नीचे गिर गई। जब तक माया को ये समझ आया कि चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका जा सकता है, तब तक ट्रेन करीब 3 किलोमीटर दूर जा चुकी थी। ट्रेन रुकने के बाद माया नीचे उतरी और पटरी पर नंगे पांव ही दौड़ पड़ी। जब तक माया अपनी बेटी के पास पहुंची, तब तक आरती नाम की एक महिला जो उस वक्त वहीं मौजूद थी, उसने उस 2 साल की मासूम को गाँव के पूर्व प्रधान की मदद से अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उसका इलाज किया गया। गाँव वालों ने माया और उसकी बेटी को खाना खिलाया और कुछ आर्थिक मदद भी की। हालांकि गनीमत ये रही कि मीनाक्षी को ज्यादा चोट नहीं आई। फिलहाल माया अपनी 2 साल की मासूम को लेकर वापस मानिकपुर चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।